हेलो दोस्तों, मैं सविता, सविताज किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, आज मैं केक आइसिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ दोस्तों। और बहुत ही आसान है केक आइसिंग करना दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है चॉकलेट बेस, जो कि मैंने पहले से ही बेक करके रख लिया था दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से पैलेट नाइफ के मदद से इस तरह से हम इसे चारों तरफ से पहले हम निकाल देंगे, उसके बाद डीमोल्ड कर लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं केक को मैंने निकाल लिया बेस, मतलब बेस को। अब इसे हम लेयर करेंगे, मतलब कट करेंगे इसे। तो मैंने एक नाइफ ले लिया है, अब इसे हम 3 लेयर में कट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, अपना बर्थडे हो या अपना एनिवर्सरी और बच्चों का हो, अगर आप घर पर बना रहे हैं केक तो बहुत ही खुशी होती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने 3 लेयर में कट कर लिया है। देखिए मतलब 3 लेयर हो चुका है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, प्लेन वाटर लिए हैं यहाँ पे, तो आप इसके जगह पे ना शुगर सिरप भी ले सकते हैं। तो अब इसे हमें अच्छे से सोक कर लेना है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मतलब आप शुगर सिरप से सोक करेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है केक। आप मार्केट से केक लाते हैं तो बहुत मीठा होता है ना, क्योंकि वो लोग शुगर सिरप से सोक करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लेन वाटर से सोक किया है तो बहुत ही कम मीठा रहेगा। और यहाँ पे मैंने लिया है चॉकलेट गनाज, जो कि मैंने पहले से बना लिया था। 400 ग्राम डार्क चॉकलेट से मैंने गनाज बनाया था दोस्तों। तो मैंने क्रीम में ना चॉकलेट गनाज को डालकर अच्छे से इसे व्हिप्ड कर लिया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट जैसा मेरा क्रीम हो चुका है। अब हम यहाँ पे इस पर स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे इस तरह से। अगर आप मतलब डच चॉकलेट ज़्यादा मतलब ट्रफल चॉकलेट खाना चाहते हैं तो इसके जगह पे आप सिर्फ चॉकलेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमें वही गनाश डाल देना है और अच्छे से स्प्रेड कर देना है, देख सकते हैं। अगर सिर्फ चॉकलेट से ही करेंगे तो बहुत कड़वा हो जाता है दोस्तों। अगर आप इस तरह से बनाएंगे चॉकलेट केक, बहुत टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और यहाँ पे मैंने चोको चिप्स लिया है, तो चोको चिप्स भी हम इस तरह से डाल सकते हैं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड लेयर भी रख देंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है दोस्तों, जैसे मैंने नीचे वाले लेयर को किया था। बस प्लेन वाटर से इसे हमें सोक कर देना है और फिर भी वही क्रीम अप्लाई कर देना है वापस से, और फिर गनाश डालकर स्प्रेड करना है और चॉकलेट चिप्स को डाल देना है दोस्तों। तो केक बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे मैंने जो थर्ड लेयर लिया है दोस्तों, तो जो ऊपर का भाग हमें कट नहीं करना है, बस उल्टा करके हमें इसे रख देना है, क्योंकि केक ना वेस्ट जाता है। और फिर यहाँ पे हमने सोक कर लिया है प्लेन वाटर से। अब यहाँ पे हमें वाइट मतलब क्रीम से हमें यहाँ पे अप्लाई करना, चॉकलेट वाले से नहीं अप्लाई करना, क्योंकि एनिवर्सरी केक है तो इसके लिए हमें थोड़ा कलरफुल करना है। तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर का व्हिप्ड क्रीम लिया, जो कि मैंने पहले से इसे तैयार करके रख लिया था दोस्तों। तो केक की बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है दोस्तों, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। केक क्रीम को भी व्हिप्ड करके मैंने दिखाया है दोस्तों। तो इस तरह से हमें अप्लाई करना है वाइट क्रीम को। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हल्के हाथ से हमें मतलब कवर करना है, नहीं तो चॉकलेट थोड़ा भी अगर ऊपर आया दोस्तों तो पूरा केक फिनिशिंग ख़राब हो जाती है केक की। तो पैलेट नाइफ के हेल्प से हम इस तरह से केक को अप्लाई कर देंगे, मतलब इसे कवर कर देंगे, अच्छी तरह से कोट कर देंगे। तो देख सकते हैं अगर थोड़ा भी हल्का भी अगर तेज़ी से किए तो चॉकलेट का जो थोड़ा भी हल्का सा केक है वो बाहर आ जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो बस हमें बहुत हल्के हाथों से इस तरह से केक क्रीम को अप्लाई करना है, बस बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान है। केक घर पे बनाकर अपने एनिवर्सरी, बर्थडे या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही खुशी होती है अगर अपने हाथों से अपने घर का केक बनाओ, अपने फैमिली के लिए या अपने लिए, तो बहुत अलग ही खुशी होती है दोस्तों। तो मेरा 15th एनिवर्सरी था, 15th मतलब 15 साल कंप्लीट हुए मेरे शादी को, तो मैंने अपने हाथों से केक बनाया। थोड़ी प्रैक्टिस छूट गई थी दोस्तों केक बनाने की, क्योंकि ना मैं ज़्यादातर अभी YouTube पे रेसिपी डालने लगी हूँ, तो केक की तरफ से इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने 100% दिया इस केक को दोस्तों। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर बना के देखना, बहुत ही आसान है केक बनाना दोस्तों। और मतलब बहुत ही खुशी होती है ना अगर खुद केक बनाओ और ख़ुद की फैमिली के लिए, अपने लिए, तो बहुत ही अजीब मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, अलग ही फीलिंग्स आती है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें अच्छे से कोट कर देना है वाइट क्रीम से,
आप चाहें तो चॉकलेट मतलब चॉकलेट से भी कर सकते थे, लेकिन ना शादी मतलब एनिवर्सरी हो या ऐसा मतलब कपल्स के लिए बनाना हो तो थोड़ा कलरफुल रहता तो ही अच्छा लगता है। तो बस मैंने इसीलिए वाइट से इसे कोट किया है। तो इस तरह से पैलेट नाइफ की हेल्प से पहले हम इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। चॉकलेट केक थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो टफ होता ही है, क्योंकि ना उसका चॉकलेट कलर का होता है तो वाइट लगाने से थोड़ा बाहर आता है तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता। बस वही थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि चॉकलेट का टुकड़ा थोड़ा भी ऊपर ना आए। बस तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया स्क्रैपर। ये स्क्रैपर आपको केक के डेकोरेशन शॉप पे या फिर सुपरमार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। सारे सामान आपको केक डेकोरेशन के शॉप पे या फिर डीमार्ट मतलब डीमार्ट हो या फिर कोई सुपरमार्केट हो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। दोस्तों केक के सारे सामान आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्क्रैपर से अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लिया। दोस्तों अगर आपको लगता है कि क्रीम आपका थोड़ा रफ दिख रहा है तो आप थोड़ा सा दो बूंद पानी डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लें, फेंट लें, उसके बाद आप अप्लाई करें तो आपके केक में बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। दोस्तों तो आप देख सकते हैं ना इस तरह से, और जो मैंने स्क्रैपर लिया था उसके पीछे से डिजाइन दिया हुआ है, बस उसी से हमें हल्के हाथों से डिजाइन दे देना है। एक नीचे साइड में जो किनारा होता ना, बस उस साइड पे हमें इस तरह से कुछ डिजाइन दे देना है। देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने केक का बेस लिया है जिस पे हम केक रखते हैं, बस वही प्लेट मैंने ले लिया है। अभी इस तरह से पैलेट नाइफ की हेल्प से बहुत ही आसानी से मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है केक बेस पे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। और यहाँ पे मैंने माचिस का तीली ले लिया है जो कि हमें हार्ट का शेप देना है। तो बहुत आसानी से हो जाता है दोस्तों, अगर आपके पास हार्ट का कोई भी कटर या कोई भी मतलब शेप हो तो आप उससे शेप दे सकते हैं। तो मैं इस तरह से हाथों से ही बना ले रही हूँ, पहले से मेरी आदत थी दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी आदत छूट गई है इसीलिए थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से केक बना लिया था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं डेली केक तो बनाती नहीं हूँ, बनाई तो बहुत ही खुशी हुई तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते थे। यहाँ पे हार्ट का शेप बन चुका, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा शेप बना। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट क्रीम थोड़ा सा बचा हुआ था, तो ये देख रहे हैं आप थोड़ा सा रफ जैसा दिख रहा है, बस इसमें दो बूंद पानी डालना और अच्छे से इसे फेट कर लेना है, फेट लेना है तो ये ना इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस दो बूंद डालना है और इसे अच्छे से फेंट लेना है, तो बस इसमें एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी दोस्तों। तो देख सकते हैं ना इसमें शाइनिंग आ चुकी है, देखिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया रेड फूड कलर, ये जेल कलर है दोस्तों, इसके जगह पे आप लिक्विड कलर ले सकते हैं, लेकिन फिर लिक्विड कलर अगर लेना तो आप इसमें पानी मत ऐड करना, नहीं तो बहुत गीला हो जाएगा। बस हमें यहाँ पे दो बूंद डाल दिया है, अब इसे हम मिक्स करेंगे दोस्तों, अगर और भी कलर की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम वापस से डाल लेंगे। तो घर पर भी आप इस तरह से केक बना सकते हैं और अपना फंक्शन पार्टी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, आप सेलिब्रेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप अपने हाथों से केक बनाकर इन्जॉय करते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो दोस्तों थोड़ा सा हमें एक बूंद और कलर डालना है, क्योंकि एकदम अच्छे से रेड नहीं हुआ हमारा क्रीम, बस एक बूंद डाल के इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं रेड कलर का हमारा जो क्रीम है तैयार हो चुका है। अब हम इसे रखेंगे साइड में, और यहाँ पे मैंने ले लिया है स्टार नोजल, तो बड़े साइज़ का है और पाइपिंग बैग है, तो बस इसमें हमें इस तरह से डाल देना है। देखिए फिट हो गया है, अब हम इसे ग्लास में लगा लेंगे अच्छे से, आप देख सकते हैं। बस इसमें हम जो क्रीम हमने रेड कलर का बनाया हुआ है बस इसमें हम भर देंगे। केक बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है, दिखने में तो हार्ड लगता है लेकिन जब बनाएंगे ना तो बहुत ही आसान लगेगा। अभी इसको मैंने तैयार कर लिया, तो एक साइड में से हम रख देंगे, और यहाँ पे मैंने ले लिया है न्यूट्रल जेल ले लिया दोस्तों, तो बस एक चम्मच हमें न्यूट्रल जेल ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच ले लिया है कटोरी में, और आधा चम्मच हम पानी डालेंगे,
और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और अगर ज़रूरत लगा पानी तो हम दो बूंद और पानी डालेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं हमें बहुत ज़रा सा पानी और डाल देना है, क्योंकि हमें केक पे अप्लाई करना है तो अच्छे से फैलना चाहिए। इसके लिए बस दो बूंद डालना, ज़्यादा नहीं डालना दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर मतलब बहुत ही ख़राब लगता है दिखने में ही, मतलब बहुत ही ऐसा रफ के टाइप जैसा फैल जाता है केक पे। बस इसी तरह से फ्लोइंग चाहिए, आप देख सकते हैं। तो ये तैयार हो चुका है, बस इसमें वही रेड फूड कलर हम इसमें डाल देंगे, इसे भी हमें रेड ही करना है। तो ये न्यूट्रल जेल भी आपको केक के डेकोरेशन शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मतलब मैंने पहले भी बोला आपको, सारे सामान केक के आपको एक जगह पे मिल सकता है, केक डेकोरेशन के शॉप पे, या फिर डीमार्ट हो या फिर कोई सुपरमार्केट हो, वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। तो हमारा जो ग्लेज था तैयार हो चुका है। तो जो मैंने हार्ट का शेप बनाया हुआ था ना, बस उस पर हमें इस तरह से अप्लाई करना है। तो बहुत ही आसानी से करना दोस्तों, क्योंकि ना इसे बाहर नहीं जाना चाहिए, जो हार्ट हमने बनाया है बस उसके अंदर ही इसे हमें फैलाना है। देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से पैलेट नाइफ के हेल्प से आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। तो देखिए, तो देख सकते हैं दोस्तों, हार्ट का शेप तैयार हो चुका है, कलरफुल हो गया है। अब इसे चलिए हम इस पर थोड़ा सा फ्लावर से डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पाइपिंग बैग में कलर भरा हुआ था, मतलब क्रीम, उससे हम फ्लावर के मतलब इसे फ्लावर से हम डेकोरेट कर देंगे इस तरह से। देख सकते हैं बहुत ही आसान है दोस्तों। आप भी अपने बच्चों के लिए या अपने लिए या अपनी फैमिली में किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, मतलब बहुत आसानी से केक बना सकते हो। बहुत अच्छा लगता है केक बनाना दोस्तों, बहुत ही खुशी होती है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा जो हार्ट का शेप था पूरी तरह से अच्छे से तैयार हो चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। इतने दिनों के बाद मैंने केक बनाया, फिर भी कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ही अच्छा था, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हम डेकोरेट कर देंगे दोस्तों। बस इसी तरह से हम चारों तरफ से हमने डेकोरेट कर दिया केक को। तो देख सकते हैं बस इस पे नेम लिखना है और केक का वो क्या बोलते हैं वो टॉपर होता है ना, जो एनिवर्सरी का या बर्थडे का, बस वही लगा देना है दोस्तों। तो इसे दोस्तों हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। और यहाँ पे हमारे बच्चों ने जो मोती होता है ना स्वीट्स वाला, केक पे डेकोरेशन करने वाला, बस उसी से 15th एनिवर्सरी लिख दिया है दोस्तों। आप इसे व्हाइट ग्लेज से या फिर क्रीम से लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।